अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास एयरफोन नहीं था, तो मैंने रात को हस्बैंड जी जब बाहर जा रहे थे तो बोला था कि आते टाइम एयरफोन ले आएँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करनी होती है। जो मेरे पास पहले था उसमें सही से वॉइस ओवर नहीं होती, तो मेनली मुझे उसके लिए ही चाहिए था। वैसे तो मैं एयरफोन का यूज़ नहीं करती ज़्यादा, तो वो लेकर आए थे, लेकिन उसमें ऑफ़र में था, एक के साथ एक था, तो एक मैंने रख लिया है कि कभी किसी का ख़राब हो गया तो यूज़ कर लेगा, और दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ही अगले दिन की मैं मॉर्निंग की आपको ब्रेकफास्ट दिखा रही थी बच्चों की, जो बच्चों ने फरमाइश की थी फ्रेंच टोस्ट की, तो मैंने वही बना कर उनको दे दिया था। तो काफ़ी खुश थे क्योंकि इंडिपेंडेंस की वजह से छुट्टी थी बच्चों की। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं कि हर सुराख में से चूटियाँ बाहर आ रही हैं, चाहे वो चूटे हों या चूटियाँ हों, बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है गर्मियों में। तो हस्बैंड जी रात को जब गए थे तो लक्ष्मण रेखा भी लेकर आए थे, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मतलब आप जहाँ भी चाहते हैं कि चूटियाँ एंटर ना करें वहाँ पर लगा दीजिए, चाहे वो डोर हो या फिर बेड के चारों तरफ। और यकीन मानिए कि चूटियाँ जो हैं वो बेड पर आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ना एंट्री करेंगी गेट से। अगर आपके घर में भी चूटियाँ ज़्यादा आ रही हों या लाल वाली चूटियाँ जो काटती हैं अक्सर, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है लक्ष्मण रेखा और ये है इंडिपेंडेंस डे का दिन, तो सोसाइटी की तरफ से सबको ये लड्डू मिले थे, मोतीचूर के लड्डू नहीं, ये है बूंदी के लड्डू, और काफ़ी अच्छे थे। मतलब सबने टेस्ट किया था, इसमें चांदी का वर्क लगा हुआ था ऊपर और अंदर ड्राई फ्रूट्स थे। तो सबको ही उन्होंने जो जो इस सोसाइटी में रहता था सबको एक एक डब्बा दिया था, जिसमें चार लड्डू थे इंडिपेंडेंस की वजह से। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की, तो रात को मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो दो तीन मैंने रोक लिए थे कि अगले दिन बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूँगी। तो माइक्रोवेव में मैंने उन्हें गर्म कर लिया था कबाब को, और बर्गर बंस मैंने मंगा लेते हैं रात को हस्बैंड जी से। तो बर्गर बन पे एक साइड पे मैंने मेयोनीज लगाई, दूसरी साइड पे लगाई हरी चटनी, ताकि थोड़ा मीठा ना लगे, क्योंकि बर्गर बंस ऑलरेडी हल्के हल्के मीठे थे। तो मैंने सोचा कि कैचअप ना लगा के थोड़ी हरी चटनी लगा दूं, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लगे। और क्योंकि मैंने शामी कबाब में हल्का स्पाइस रखा था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे शामी कबाब, क्योंकि बच्चे खाते तो मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं रखती, हल्का ही रखती हूँ। तो उसकी स्पाइसनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ग्रीन चटनी का यूज़ किया है यहाँ पे बर्गर के अंदर, ताकि बच्चे जब खाएं तो उनको मीठा मीठा ना लगे और थोड़ा स्पाइसी सा ये बर्गर लगे। और साथ में मैंने उनको फ्रूट्स दे दिए थे, जैसे कि एप्पल, गुआवा, सीजनल फ्रूट जो आजकल आए हुए हैं वो मैंने दे दिए थे। और दूसरे साइड में मैंने छोटे से बॉक्स में रख दिए थे दो कुकीज़, जो बेकरी से मैंने मंगाए थे, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाए थे, काफ़ी पसंद आए, तो वही दो मैंने बिस्किट रख दिए थे। और ये दोनों लंच तैयार थे मदिया और ईदा का। अनाया थोड़ा डिफरेंट लेके जाती है, इसका थोड़ा मैं अलग लगती हूँ। मतलब आज अनाया के मैंने लंच बॉक्स में न्यूट्रेला ब्रेड, और एक में रखा था मैंने फ्रूट्स, और दूसरे डब्बे में बनाना चिप्स। एक रात पहले ही मैं अनाया से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह बड़ी परेशान करती है कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो रात को मैं अनाया से पूछ लेती हूँ लाजमी कि तुम्हें क्या लेकर जाना है, और उस हिसाब से मैं उसका लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। इतने में चाय भी गर्म हो गई थी, तो मैंने सोचा फ्लास्क में डालकर रख दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड जी उठते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय चाहिए होती है। तो एक कप में मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी कि मैं चाय भी पीती रहूँगी और साइड बाई साइड लंच बॉक्स भी तैयार करती रहूँगी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मुझे इतना टाइम लग जाता है लंच बॉक्स तैयार करने में कि मेरी चाय ठंडी हो जाती है, फिर उसे दोबारा गर्म करना पड़ता है माइक्रोवेव में। तो मैंने सोचा इस बार ठंडी नहीं करनी, तो मैं बीच बीच में सिप ले रही थी, गर्म गर्म चाय का मज़ा ले रही थी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है, और देसी घी डाल के बर्गर को उलट पलट के दोनों तरफ से मैंने क्रिस्प कर लिया है। देसी घी का वाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर का मैंने ये देखा है जब आप कोई भी चीज़ बटर में सेकते हो तो उसमें हल्का सा कड़वाहट आ जाती है। मतलब बटर तो सॉल्टेड होता है ना, तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा सॉल्टेड हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने बटर में बनाए थे फ्रेंच टोस्ट, बटर में ही बनाए थे, तो फ्रेंच टोस्ट में ज़्यादा सॉल्ट महसूस हो रहा था मुझे। और इससे पहले भी मैंने पैनकेक्स जो थे वो बटर में बनाए थे, तो उसमें भी सॉल्ट ज़्यादा फील हो रहा था। अगर आप बटर का यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली अनसॉल्टेड लीजिएगा, सॉल्टेड बटर यूज़ मत करिएगा। अनसॉल्टेड भी मिल जाता है अमूल का, वो यूज़ कर सकते हैं सेकने के लिए, उसका भी वैसे ही टेस्ट आता है जैसे सॉल्टेड वाले का आता है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ बर्गर, कबाब बर्गर। वैसे मैंने बच्चों से पूछा नहीं था, क्योंकि मैं उनको अपनी मर्ज़ी से ही दे देती हूँ, अगर जब मैं उनसे पूछती हूँ तो बहुत कम चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से दो तीन एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ, कभी एक चीज़ पसंद ना हो तो बच्चा दूसरा खा ले भूखा ना आए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं इनके लंच बॉक्स में डाल दूँ, क्योंकि ये होता है कि बच्चों के साथ भी वो शेयर करते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ पसंद नहीं आता तो अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, या फ्रेंड्स का भी शेयर करके खा लेते हैं लंच। तो इस तरह मैं ज़्यादा देती हूँ बच्चों को।
रात को हस्बैंड जी से मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगाई थी, जैसे कि ये बनाना चिप्स, क्योंकि अगले दिन मुझे अनाया को लंच में देना था। ये टेप फिनिश हो गए थे, अनाया आजकल बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट में ध्यान दे रही है तो उसको टेप चाहिए होते हैं, ये सेलो टेप। और ये मुझे डिश वॉश लिक्विड चाहिए था, तो एक के साथ एक ये ऑफ़र में आता है, हस्बैंड जी हमेशा यही लेकर आते हैं। और बेसन चाहिए था मुझे, क्योंकि आज मैं फ़िश फ्राई करने वाली हूँ तो बेसन पे ख़त्म हो चुका था। तो ये देखिए इंडिपेंडेंस डे का दिन, ये अभियान जो चला था कि हर घर में झंडा लहराना चाहिए, तो उसी हिसाब से फॉलो किया है हमारी सोसाइटी वालों ने। तो सामने भी झंडा लगा हुआ है, साइड में भी लगा है, इवन हमारे लैंडलॉर्ड ने भी लगाया था बालकनी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लैंडलॉर्ड के घर में भी झंडा लगा हुआ है, लेकिन ये लगा हुआ किस में मैंने बाद में गौर किया कि जो झाड़ू होती है ना पोछा, झाड़ने का जो होता है झाड़न, उसके डंडे पर ये झंडा लगा हुआ था। तो बाद में मुझे एहसास हुआ जब मैंने गौर से देखा कि ये किस पे इन्होंने ये झंडा लगाया है। तो खैर कहना तो नहीं चाहिए, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ भी झंडा उन्होंने फहराना था झंडा लगा दिया, बस कहना मान लिया प्राइम मिनिस्टर का। और बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।